Assalamualaikum. So welcome to Tabeel Family Vlog. उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ. जो रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं उसका नाम सुनकर खिल जाएंगे सबके चेहरे जैसे रोज. उस रेसिपी का नाम है मोमोस. तो रेसिपी जानने के लिए पहाड़ों के ऊपर जंगल के पास आओ मेरे साथ. बनाया चिकन रेसिपी एक खास. हम सबसे पहले अपने मोमोज की स्टफिंग रेडी करेंगे. स्टफिंग में लगने वाले इंग्रेडिएंट्स ये सब हैं. ये देखिए, ये हमने 300 ग्राम चिकन लिया है, 1 बाउल ग्रीन कोरिएंडर लिया है, ये हमने 1 टेबल स्पून सोया सॉस लिया है, 1 टेबल स्पून वेनेगर, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, 2 बिग साइज ऑनियन लिए है हमने कैप्सिकम लिया है. आप इसकी जगह पर कैरोट, कैबेज और कैप्सिकम, आपको जो भी वेजेस पसंद हो आप यूज कर सकते हैं या सब मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है. और ये हमने 5-6 ग्रीन चिली और 5-6 गार्लिक की कलियां ली हैं, उसे दरदरा सा पीस लिया है. आप चाहे तो इसे कट करके भी डाल सकते हो. और हमें लगेगा ऑरिगैनो थोड़ा सा. तो चलिए हम स्टफिंग रेडी करते हैं. हमने पैन लिया है, पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया. हमें ऑयल का ज्यादा यूज नहीं करना है, थोड़ा ही डालना है. 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है. गैस को ऑन करेंगे, ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे. देखिए हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है. अब हम इसमें करेंगे ऑनियन ऐड. ऑनियन को हमको ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए जब तक के इसे हमें फ्राई करना है. देखिए हमारे ऑनियन का कलर चेंज हो चुका है, ज्यादा नहीं किया है हमने. अब इसी स्टेज पर हम हमारी चिल्ली और गार्लिक पेस्ट को ऐड करेंगे. हमको इसे हिला हिला के अच्छे से करना है, पकाना है, ताकि हमारा मसाला नीचे जल ना जाए, क्योंकि हमने इसमें ऑयल बहुत कम यूज किया है. अब इसमें हम अपने चिकन को ऐड करेंगे. आपने मोमोज तो बहुत खाए होंगे, बट इस तरीके से आप कभी बनाकर खाइए, याद करेंगे. ठीक है, आप अभी हम थोड़ा इसे चिकन को इसके साथ पकने देंगे. ये देखिए हमारा चिकन अच्छे से पक चुका है. अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे, रेड चिली सॉस ऐड करेंगे, वेनेगर ऐड करेंगे, सोया सॉस ऐड करेंगे और ग्रीन कोरिएंडर ऐड करेंगे और लास्ट में मेन टच जिसके बगैर हमारी हर डिश इनकम्प्लीट है, नमक शमक. नमक शमक डाल देते हैं, नमक शमक. देखिए और हम थोड़ा सा ऑरिगैनो फ्रेश करके डालेंगे इस तरीके से. अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरा पूरा घर इसकी खुशबू से महक उठा है. देखिए अब हम इसके पानी को थोड़ा अच्छे से सुखा लेंगे, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी. देखिए हमारे मसाले का पानी अच्छे से सूख चुका है. अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे, क्योंकि हमें इसे अभी आगे बारीक पीसना है. जब तक ये ठंडा होता है हम हमारे मोमोज का डो रेडी करेंगे. ये हमने 1.5 किलो मैदा लिया है. अब हम इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और ये हमने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, इसे भी हम इसमें ऐड कर लेंगे. अब इसे अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे. ना इसे हमें सॉफ्ट करना है ज्यादा, ना कड़क रखना है, नॉर्मल सा डो रेडी करना है हमें. हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमारा डो रेडी करेंगे. देखिए इस तरीके से हमारा डो हमने रेडी किया है. थोड़ा सा हम इसे ऐसे अब हम इसे 5-10 मिनट सेट होने रख देंगे. देखिए इस तरीके से तक हमारा दो सेट होता है. हम मोमोज की चटनी रेडी करते हैं. चलिए मोमोज की चटनी रेडी करेंगे. ये हमने एक छोटी सी पतीली में थोड़ा पानी ले लिया है, इसे अच्छे से हम बॉईल आने देंगे. हमें लगेंगे
दो रेड टमाटर, अच्छे पके हुए टमाटर चाहिए। देखिए ऐसे रेड टमाटर चाहिए हमें चटनी के लिए। हम पानी में इसको ऐड करेंगे और इसे हम थोड़ी देर बॉईल करेंगे। 5 मिनट्स तक हमें इसे बॉईल करना है। ये देखिए हमारे टोमेटो अच्छे से पक चुके हैं। ये इसका छिलका भी सेपरेट होने लगा है, बस अब हम इसे निकाल लेंगे। टमाटर की स्किन को निकाल लेंगे। बहुत गर्म है ये, हमको हैबिट है, आप लोग थोड़ा ठंडा होने दें फिर निकालिए। इस तरीके से हमने इसका छिलटा अच्छे से निकाल लिया है। इसका जो ये ब्लैक पार्ट है ना, ये हमें निकाल लेना है। देखिए अभी भी इसमें कितना धुआं है। देखिए इस तरीके से हम निकाल लें। अब हमें इसे पीस लेना है। इसे थोड़ा थोड़ा हम कट करके इसमें मिक्सी जार में ऐड करेंगे। देखिए अब हम इसमें 3-4 ग्रीन चिली ऐड करेंगे। आपके पास रेड चिली हो तो आप यूज़ कर लीजिएगा, मेरे पास नहीं है अभी अवेलेबल तो मैं ग्रीन यूज़ कर रही हूँ। इसमें हम थोड़ा सा आधे से भी कम कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। देखिए और 1 चम्मच हम 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून नमक शमक डाल देते हैं। अब हम इसे बारीक एकदम फाइन पीसना है इसको। ये हमने कितना फाइन पीस लिया है, कितना बारीक किया है इसे, इस तरीके से हमें इसे पीसना है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बट मैं इसमें थोड़ा सा अपने गार्लिक का तड़का लगाऊंगी। आप चाहे तो इसमें गार्लिक ऐड करके पीस कर ऐसे भी खा सकते हो, बट मैं थोड़ा तड़का लगाऊंगी गार्लिक का इसमें। और इसी के साथ मैंने ये हमारी मोमोज की स्टफिंग जो रेडी की थी, इसे भी हम दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखिए अब हम लगाएंगे अपनी चटनी को तड़का। ये हम 1/2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, इसे गर्म होने देंगे हम। देखिए अच्छे से गर्म हो चुका है हमारा ऑयल। अब हम इसमें देखिए ऐसे बारीक बारीक हमने 2-3 लहसुन की कलियों को ऐड कर लिया है इसमें। गार्लिक थोड़ा सा गोल्डन होने देंगे हमारी लहसुन की कलियों को। इस तरीके से आप चटनी बनाइए, बहुत यम्मी लगती है ये चटनी मोमोज के बाद। कलर देखिए, हमने इसमें कश्मीरी मिर्ची जो ऐड की है ना, कश्मीरी मिर्ची पाउडर, उससे हमारे चटनी का कलर देखिए कितना मस्त आया है ना, रेड। अब हम इसे थोड़ा ज़्यादा नहीं, बस 1-2 मिनट पकाएंगे तो हमारी चटनी रेडी। देखिए हमारी चटनी को 5 मिनट हो चुके हैं पक्के। बस अब हम इसको गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और चटनी को हम अपने बाउल में ऐसे शिफ्ट करेंगे। ये देखिए हमारी चटनी का कलर देखिए कितना मस्त। देखिए हमारा आटा डो कितने अच्छे से सेट हुआ है, ना ज़्यादा नरम ना ज़्यादा कड़क, कितना अच्छा सेट हुआ है, सॉफ्ट एकदम। इस तरीके से हमें डो चाहिए मोमोज बनाने के लिए। ये देखिए हमारा डो भी रेडी, हमारी स्टफिंग भी रेडी। इस तरीके से हमने पीस लिए अपनी स्टफिंग को, तो किस बात की देरी, चलिए शुरू करते हैं मोमोज बनाना। पेड़ा लेना, देखिए कितना स्मॉल पेड़ा है, साइज में लेना है रोटी की तरह बेल लेना। देखिए इसके एजेस अच्छे से मोटे नहीं रहना चाहिए, बीच में मोटा रहेगा चलेगा, मगर उसमें एजेस एकदम पतली चाहिए। ये देखिए ध्यान दीजिए आप मैं कैसा बेल रही हूँ। इस तरीके से अब हम इसे राउंड करना है, तो हम इसी कोई भी वाटी या प्लेट की हेल्प से इसे राउंड कर लेंगे। ये देखिए कितना पतला बेला है, मेरे हाथ भी दिख रहा है इसमें से पीछे से। इस तरीके से हमें चाहिए। देखिए अब हम इसमें स्टफिंग, आपके हिसाब से आप स्टफिंग ऐड करिएगा, मेरी क्वांटिटी इतनी है। देखिए इस तरीके से अब हम मोमोज को मोमोज का शेप देंगे। देखिए इस तरीके से शेप ऐसा, इस तरीके से देखिए अब हम इसे उठाएंगे,
इसके साथ प्रेस कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमें मोमोज का शेप देना है। देखिए हमारे मोमोज, देखिए इस तरीके से हम पूरे मोमोज को रेडी करेंगे। ये एक शेप है और मैं आपको एक और शेप बताती हूँ, उसे उस तरीके से भी बनाया जाता है, मोदक टाइप। मोदक कैसी रहती है उस तरीके से हम एक मोमोज आपको रेडी करके बता दें। हमने इस तरीके से पूरी कैसे बेलते हैं उस तरीके से हमने इसे ना पतला बेल लिया है। अब आपको हम मोदक शेप बना के बताएंगे इस तरीके से। ये देखिए इसको यहाँ से उठाना है ऐसा हमें, देखिए इस तरीके से होगा। एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके बाद ये हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से अब हम इसे पैक करेंगे। देखिए कितनी अच्छी मोदक बनके रेडी हुई हमारी। देखिए इस शेप में भी आप मोमोज रेडी कर सकते हो। तो चलिए अब मैं सब मोमोज रेडी करती हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। देखिए हमारे मोमोज बनकर रेडी है। मैंने कुछ इस शेप में बनाए हैं और कुछ इस शेप में, मोदक शेप में। ये अरहान को शेप बहुत पसंद आया तो ये उसके लिए रेडी किया है और ये आयान के लिए। हम इसको स्टीम करेंगे, ये वाले मोमोज को स्टीम करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। अरहान को फ्राई चाहिए, आयान को स्टीम वाला चाहिए। चलिए मैं आगे बताती हूँ आपको। मोमोज को इडली स्टैंड में बनाने वाले हैं। देखिए ये इडली स्टैंड को मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है, इसमें ऑयल लगा दिया है। अब हम हमारे जो इस मोमोज को स्टीम करने वाले हैं उसे उसमें रखेंगे। देखिए इस तरीके मैंने सब स्टैंड को ऑयल लगा दिया है। ये हमने पानी रख दिया है गैस का इडली स्टैंड में। देखिए कितना कम पानी रखा है, दिख रहा है आपको? ये देखिए कितना ही पानी चाहिए हमें। अब हम इसे अच्छे से गर्म होने देंगे, फिर अपने मोमोज इसमें रखेंगे। देखिए हमारा पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमारे मोमोज को हम इसमें रखेंगे। अब हम इसे 10 से 15 मिनट तक स्लो हीट पर पकने देंगे। चलिए अब हम अपने फ्राई मोमोज रेडी करते हैं। हमने पैन में ऑयल ले लिया है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने मोदक वाले मोमोज ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से जितना एक बार में आ सके उतना ही आप डालिएगा, बस हम इतना ही डालेंगे। देखिए कितने अच्छे से फ्राई होंगे अभी हमारे मोमोज। देखिए और ये मोमोज जो मोदक शेप में है ये अरहान की फरमाइश पे बन रहे हैं। अरहान को फ्राई मोमोज खाने थे। अरहान की फरमाइश हो और मैं पूरी ना करूं, ये हो ही नहीं सकता है। देखिए अरहान के फ्राइड मोमोज। अब हम इसे पलटेंगे, बहुत सेफली करिएगा। देखिए इस तरीके से बहुत यम्मी और टेस्टी बनते हैं ये मोमोज। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा मेरे मेथड से। तो चलिए सब मोमोज को हम फ्राई करते हैं और मिलते हैं डाइनिंग टेबल पर। देखिए हमारे गर्मा गर्म मोमोज रेडी है।
ये मोदक स्टाइल में जो मोमोज बने हैं वो है अरहान की प्लेट, और जो प्रॉपर रहते हैं मोमोज स्टाइल शेप वो स्टीमेड मोमोज वो है आयान की प्लेट। तो चलिए आज हमारे दोनों बेटे रिव्यू देंगे, आयान भी अरहान भी। तो चलिए मिलिए आयान अरहान से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो चलिए अपना रिव्यू दीजिए दोनों आयान अरहान। चलिए बहुत गर्म है, सेफली खाना। वाओ सच में वेरी वेरी टेस्टी एंड एक्सोटिक टेस्ट। वाओ सच में। तो आयान अरहान आप लोग तीनों चटनी से टेस्ट करके बताओ। सॉस है एक में मियोनीज है और एक में मोमोज चटनी जो मैंने बनाई है। किससे आपको सबसे अच्छा लग रहा है अपना रिव्यू दीजिए ताकि व्यूअर्स उसी के साथ इसे एंजॉय करें। वैसे तो हमने मॉल में बहुत खाया है सॉस और मेयोनीज से, मम्मा की चटनी से पहली बार खा रहे हैं, देखते हैं। अरहान को क्या हो गया है आज? अरहान कुछ बोल ही नहीं रहा है। दिस इज वेरी वेरी टेस्टी। सच में अरहान तुम भी बताओ। मम्मा की चटनी वेरी वेरी टेस्टी, दिस मम्मा से मम्मा चटनी बहुत ही लजीज। तो चलिए मॉल में भी नहीं मिलेगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल को अच्छा लगता है। अल्लाह हाफिज़।